जी न्यूज मेटराइज के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करना जरूरी है और गुजरात में एक बार फिर से 26 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी 26 की 26 सीटें जीत रही है। इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है, अन्य के हिस्से में भी गुजरात में कुछ नहीं आता हुआ दिख रहा है। प्रणय उपाध्याय बिल्कुल, और देखिए ये 26 सीटों की हैट्रिक, राजकिशोर 26 सीटों की हैट्रिक कहा जा सकता है इसे, लगातार 26 सीटें जो है वो बीजेपी अपने कब्जे में करती हुई दिख रही है लोकसभा चुनावों के अंदर। दरअसल जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री थे, तो भी गुजरात के जब मतदाता जाते थे तो भविष्य के प्रधानमंत्री को वोट देते थे। अब जब प्रधानमंत्री बने बैठे हुए नरेंद्र मोदी तो फिर उनको वोट कैसे नहीं देंगे, बस सीधी सी बात है। सुनील चावके कभी हम रुक कर लेते हैं, और सुनील चावके जी देखिए, अब राजकिशोर जी ने बताई दिया है कि भाई तब तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब भी जीत रहे थे, अब तो प्रधानमंत्री है तो डबल इंजन की सरकार, और यही एक वजह है कि 26 की 26 जो है वो क्लीन स्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो जिस तरह से एक गैप बनी है लगभग 25% की वोटों के अंतर में, तो वो जो है वो बरकरार रहेगी ऐसा लग रहा है। हालांकि वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, 2 और 24 सीटें लड़ने की उन्होंने एक गठबंधन किया है, लेकिन उसका कुछ असर होगा ऐसा लगता नहीं। भरूच में जो कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक रहे अहमद पटेल, उनकी बेटी को बेटी की सीट पे उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो मनोज जी मैं इसमें सवाल जोड़ रही हूँ, क्या वजह है कि अगर मैं 2014 की बात करूं और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तब भी कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि फाइटिंग थी, क्या उसका एकमात्र फैक्टर जो है वो अहमद पटेल थे और अब अहमद पटेल नहीं है इसलिए कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बिखर गई है और कहीं कोई स्कोप नहीं दिख रहा है? मैं शोभना के सवाल में एक छोटी सी चीज जोड़ दूं कि ये अक्सर बात होती है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिन सीटों के ऊपर सीधा मुकाबला है, गुजरात भी उन राज्यों के अंदर से एक है, लेकिन कहीं भी इस समय कांग्रेस चुनौती के तौर पर खड़ी नजर नहीं आ रही, कारण क्या? सबसे बड़ी बात करें कि देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वहां पे अलायंस किया है, उस अलायंस के बाद सबसे ज्यादा अधिक किसी सीट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो भरूच की सीट हो रही है, जहां से अहमद पटेल जी आते हैं, पिरामिन उनका गांव है, वो बगल का गांव है, और अहमद पटेल मुसलमानों से ज्यादा वहां हिंदुओं में पॉपुलर हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो सीट जीतने की तो बात की बात है, पूरे अहमद पटेल परिवार वो फैमिली उस सीट को यदि आम आदमी पार्टी को जैसा दे दिया गया उस सीट को हराई जाएगी कि वहां से आम आदमी पार्टी न जीता, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी जीतेगी वहां पे अहमद पटेल का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो इस अस्तित्व को बचा कर रखना। आरती टिक्कू में ये उसी तरीके की गलती कांग्रेस ने की है जैसी कि आपको याद होगा कि वाईएसआर की मृत्यु के बाद जगनमोहन रेड्डी के साथ की, या फिर कहा जाए कि आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा के कद को कांग्रेस समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई और वो खामियाजा में दो बड़ी जगहों बड़ी स्टेट्स का मैंने जिक्र किया है, ये क्या वैसी ही गलती आप भरूच को मान रही हैं कांग्रेस के लिए? देखिए 2019 के इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए ये बहुत क्लियर हुआ कि कांग्रेस एक डिक्लाइनिंग ग्राफ पे है और एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उनके लिए कि वो अकेले लड़ना चाहें तो कहाँ से लड़े, उनके पास काडर नहीं आज खड़े होने के लिए, और अगर वो रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करते हैं जो कि उन्होंने किया अलायंस इंडी अलायंस, उसमें ऑब्वियसली रीजनल पार्टीज अपना क्या कहते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो मांगेगी ही, और वही हर स्टेट में हम देख रहे हैं कि जहां पे भी अलायंस किया उन्होंने अपना जितना भी उनका छोटा मोटा कंस्टिट्यूएंसीज थी या अपना काडर था वो नाराज हो रहा है, जैसे कि उन्होंने अहमद पटेल की फैमिली का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही हर स्टेट में उन्होंने वो असम हो हेमंत बिस्वा शर्मा का भी आपने एग्जाम्पल। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए आरती टिक्कू, तो जैसे ही नेतृत्व कमजोर होता है बाकी छत्रप जो है वो बिखरने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जी न्यूज के मेट्राइज के सर्वे में हमने गुजरात में लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों को लेकर भी लोगों की राय मांगी और सबसे ज्यादा 78% लोगों ने नरेंद्र मोदी के समर्थन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, यानी गुजरात नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, ये 78% लोगों ने अपनी राय के साथ साबित किया, और 7% लोग बेहतर उम्मीदवार को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, वहीं 4% लोगों ने सांसद के कामकाज को वोट देने की बात कही, वहीं 2% लोग घोषणा पत्र के वायदों को बड़ा मुद्दा मानते हैं और इसीलिए अपना वोट देने की बात कह रहे हैं, जबकि 9% लोग अन्य मुद्दों को प्रमुखता देते हुए नजर आए। तो देखिए ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं लोगों की प्रायोरिटी भी बताते हैं, लेकिन 78% मनोज जी आंकड़ा, यानी गुजरात पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है इसमें कहीं कोई शक नहीं, वो नजर भी आता है, और गुजरात के लिए जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं की बात की, कहा तो जा रहा है कि अब ओलंपिक भी अगर होगा, भारत मेजबानी करेगा तो ओलंपिक गुजरात में होगा।
यही कारण है कि आम जनता को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्टेट के लिए कितना किया है और करने का उनका विजन क्या है। और यही कारण है, अधिक कहा जाए कि गुजरात से अलग नरेंद्र मोदी हैं या मोदी से अलग गुजरात है, तो ये बड़ा एक आश्चर्य वाली बात होगी। इसलिए उसमें हमको लगता है कि गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर बहस करें तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। गुजरात मतलब मोदी, मोदी मतलब गुजरात।